वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले तो मैं किसान जथेबंदियों का धन्यवाद करती हाँ कि इस पवित्र स्टेज के उत्ते मैं बोलन का मौका दिता जाता है और मैं अपने यूथ को प्रजेंट करती हाँ इतने खलो के। सो एक गल बहुत इंपॉर्टेंट आ जो सारे जने कह रहे हैं स्टेज के उत्ते 26 तरीक की, 26 तरीक न साडे अंदोलन का अंत नहीं गा, 26 तरीक न साडे अंदोलन की शुरुआत आ, तुसी मान सकते हो। और सानू ये अंदोलन पीसफुल तरीके दे नाल लेके जाना है और जो भी साडिया किसान जथेबंदियां कहंदियां ने सानू उन्हां दे अकॉर्डिंगली चलना है। सारिया 31 दी 31 किसान जथेबंदियां दा जिहड़ा डिसीजन है कि जो असी ट्रैक्टर मार्च करना है 26 तरीक न रिंग रोड दे उत्ते आपां ट्रैक्टर मार्च करना है, बट बहुत ही पीसफुल तरीके दे नाल हाथ जोड़ के यही बेनती है कि उदन जिहड़े साडे अगे पुलिस दे भरा भी खलोते ने वह भी साडे विचों ने, वह भी साडे किसानां दे पुत ने। सो आपां नूं उहनां दे नाल भी बहुत ही पीसफुल तरीके दे नाल वधिया तरीके दे नाल उहनां दे नाल सलूक करना है आपां, जे वह जिसे भी तरीके दे नाल उह साडे नाल सलूक करन, बट फिर भी आपां उहनां दे नाल पीसफुल तरीके दे नाल रहना है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई वॉयलेंस नहीं करना, क्योंकि साडे प्रोटेस्ट की सब तो वड्डी शिंगार की गल यही है कि साडा प्रोटेस्ट अज तक पीसफुल चलता आ रहा है तो अगे भी पीसफुल ही रहे। एंड कोई भी उत्थे ड्रिंक करके ना जाए, कोई भी ड्रिंक करके ना जाए, क्योंकि बहुत सारिया साडे इत्थे अंदोलन दे विच रात नूं ट्रैक्टर ट्रालियां दे विच जां साडा यूथ जिहड़ा रात नूं ट्रैक्टर दे उत्ते गाने ला के जां ड्रिंक करके जांदे ने। असीं बस ये कहना चाहुंदे हां भी असीं इत्थे अपना अंदोलन करन वास्ते आए हां, पीसफुल प्रोटेस्ट करन वास्ते आए हां, अपनियां बिल्लां दी मंग रखण वास्ते आए हां। और साडे इत्थे किन्ने बजुर्गां ने शहादत दे दित्ती पिछले दिन, हर एक दिन साडे बजुर्ग की शहादत इत्थों जांदी है, इत्थों डेड बॉडी जांदी है। सो असी इस तरीके के गाने ला के जां आपां शराब पी के इस तरीके का बिहेव नहीं कर सकते। और खास करके 26 तरीक साड़ी सरकार भी बहुत ज़्यादा जोर लगा हुआ है, बहुत सारिया एजेंसीज का जोर लगा हुआ है कि इस अंदोलन को खराब किया जाए। बहुत सारे अंदरों भाजपा के जिन्हें भी आर्टिकल्स निकल रहे हैं उन्होंने टीम्स न कि इस अंदोलन को रोकया जाए, इस अंदोलन को खराब किया जाए, इस कई तरह के लोगों वाड़िया जाए, इस अंदोलन को खराब किया जाए। जिमें कि तुम देखा सगा हरियाणा के जाट अंदोलन होया, सो जाट अंदोलन बहुत खराब किया गया एजेंसीज के लोगों ने, और उन्होंने जिन्हें भी यूथ सिगे कई जिहड़े लोकी अगे आए सिगे पढ़ के आ गए, उन्होंने अज तक वह केस ते तरीका भुगत रहे ने। कोई नहीं पुछता किसी नूं बाद दे विच जाके, तुहानूं आप नूं खुद नूं तरीका भुगतनियां पैंदियां ने, तुहानूं आप नूं खुद नूं जाके कोर्ट कचहरियां देखने पैंदे ने। सो मेरी हाथ जोड़ के यही बेनती है कि जिहड़े साडे लीडर्स ने किसान जथेबंदियां दे, उन्हां नूं तुसीं उन्हां दी अगवाही दे नाल ही चलियो, आप खुदरे हो के जां किसी दीआं गल्लां दे विच आके जां कोई भी इंसान साडे अंदोलन दे विच एजेंसी दे थ्रू भी आंदा है सानूं भड़काउंदा है जां ट्रॉली दे उत्ते आके कोई भी गलत मैसेज दिंदा है, असीं किसी दीआं गल्लां दे विच नहीं आउणा जां किसी दी ताह दे विच आके कोई गलत कदम नहीं चुकना, क्योंकि आप ऑलरेडी इस सरकार दे बहुत ज्यादा तानाशाह सरकार तो बहुत ज्यादा दुखी आए हुए हैं। हरियाणा सरकार ने बहुत ज्यादा परचे अगे ही हरियाणा के लोगों के उत्ते किए हुए हैं। आप नहीं चाहते भी आने वाले टाइम के उत्ते तुहाडे किसी भी भरा से जां बापू से जां किसी के भी कोई गलत परचा हो, और जेड़े भी अपने नाल किसी भी तरीके का असला कैरी कर रहे हैं जां किसी भी तरीके का हरियाणा जिन्हों को लाइसेंस भी है वह कृपा करके अपना दिल्ली के उस दिन कोई भी चीज यही कैरी ना करन। आप नहीं चाहते भी साडे अंदोलन के उत्ते कोई भी उंगली चुके, कोई भी इस पीसफुल प्रोटेस्ट को कोई भी वीडियो बना के पावे कि ये देखो अपने नाल असला भी कैरी करते हैं किसी भी तरीके का। आप सोचते हैं, आप मन के चलते हैं कि आप इस बिलों के उत्ते जित प्राप्त करके जावांगे। जिस तरीके दे नाल गवर्नमेंट साडे नाल माइंड गेम खेलती है, असं माइंड गेम के नाल ही चलेंगे, असं उन्हां दीआं गल्लां दे विच आ के किसी भी तरीके का अपना अंदोलन खराब नहीं करांगे, या किसी भी तरीके का आप उन्होंने पॉइंट नहीं देवांगे जिस तों सानूं वह पॉइंट रेस कर सकन। क्योंकि बहुत सारिया जगह के उत्ते दिल्ली या हजे भी बॉम्बे के कई जगह साडा अद्धा हरियाणा इत्थे बैठा, बट अद्धा हरियाणा इत्थे नहीं बैठा, जिहड़ा हजे भी उत्थे लोकां नूं पिंडां दे विच कहा जा रहा है कि सिर्फ जाट ते जट्टां दा अंदोलन है, ये सिर्फ हिंदुआ का अंदोलन नहीं गा। साडे बहुत सारे लोग अमृतसर तो मैं देखती हाँ कि अमृतसर तो लोग आके इतने नहीं बैठे। मेरी यही रिक्वेस्ट आ भी तुसी सारे जाने, सब तो ज्यादा सारे नूं कहना चाहिए कि पिंड दे विच एक सरपंच की ड्यूटी लगनी चाहिए कि एक घर दे विचों एक बंदा तो एटलीस्ट इस अंदोलन दे विच आवे, भावें ड्यूटियां निभाण इत्थे आके कुछ चल जाण कुछ आ जाण।
साढ़े इतने अंदोलन सारे सारे पंजाब की इस टाइम से लोड़ है, ना कि इतने के जिन्हें बठिंडा संगरूर इधर के बहुत सारे लोगों ने इस अंदोलन शमूलियत दी है। बट मैं चाहनी हाँ भी माझे एरिए बहुत घट लोग आ, बहुत घट ट्रालिया ने, सानू उन्होंने भी कहना चाहिए भी साडे अंदोलन का पार्ट बनन, पिंड जाके हजे भी अवेयरनैस करन की लोड़ है। मैं ताइयो अज चली हाँ, मैं दो दिन तीन दिन सारे उधर के पिंड जो मेरी ड्यूटी बनती है क्योंकि मैं अमृतसर तो हाँ, मैं उत्थे जाके पिंड यही जाके कहनी हाँ गल कि सरपंचां दी पिंडां दे सरपंचां दी ड्यूटी बनती है क्योंकि ये साडे कल्यां दा अंदोलन नहीं है, सारियां दा अंदोलन है। सारियां नूं अपनी वध तों वध शमूलियत पाउणी चाहीदी है। इत्थे असीं देखदे हाँ हरियाणे दे पिंडां दे विचों लोकी लस्सी लैके आउंदे ने, दुध लैके आउंदे ने, अपनी एक ड्यूटी समझ के लैके आउंदे ने, इत्थे हैल्प करदे ने। एवें साडे पंजाब दे विचों वी सारे लोकां नूं इत्थे आउणा चाहीदा, इत्थे लोकां नूं इकट्ठे होना चाहीदा। एक बहुत वड्डी गल मैं कहना चाहुंदी हाँ भी जो असी रिलायंस की अंबानिया अंडानिया की गल करते हैं हमेशा कि उन्हों का यह सारा कुछ उन्हों का यह रचा हुआ बिल है, वो पिछे मैं सब तो ग्रेट एक वधिया इंफॉर्मेशन देना चाहनी हूँ जो कि साडे यूथ नूं अज पता होनी चाहिए है उस गल बारे। जियो ने जियो जियो रिटेलर एक रिलायंस ने 2009 दे विच शुरू किया सीगा, उहदी अगवाही हेठ ये बिल पास किए गए ने। अंडानिया के नाल उन्हां दी ए पार्टनरशिप सीगी जिदे विच उन्हां ने जमाखोरी दे अपने बहुत वड्डे वड्डे गोदाम ला ले सीगे, क्योंकि उहदे पिछे एक रीजन की सीगा पिछे जे पैरिस दे विच 198 कंट्रीज की मीटिंग हुई सीगी कि आने वाले 20 सालां दे विच असीं रिलायंस का डीजल पेट्रोल बंद कर दांगे, इह जिहियां इंडस्ट्रीज नूं असीं बंद करांगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग करके। इस करके रिलायंस ने रिलायंस रिटेलर के थले ये बिल पास करवाए क्योंकि जिहड़ा भी आपां इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो भी असीं करदे हां सिर्फ एक स्टेट दे विच करदे सीगे, जदों उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया दे विच अपना बिजनेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फूड का करना। इस करके उन्हें करके ये बिल पास किए गए ने, सानू ये अवेयरनेस क्रिएट करने की लोड़ है। मैनू पता है बहुत सारे लोगों को पता पर बहुत सारे शहरी लोगों को हजे भी इस गल की भुल है कि किसान सिर्फ अपने करके बैठे है, किसान सिर्फ अपनी जमीन बचाने वास्ते बैठे है। नहीं, ये बहुत वड्डी गलती है, ये बहुत वड्डी गलत गल है जे सिर्फ किसानों के उत्ते गल की जाए। किसान फिर भी अपने वापस जाके अपने वास्ते कणक पैदा कर सकते हैं, खेती करके अपने वास्ते खेती कर सकते हैं, पर जो शहरी वर्ग के लोग आ जो सिर्फ किसानों के उत्ते डिपेंड करते हैं, अज जो सिर्फ जाके करियाना स्टोर के उत्ते जाके अपना राशन खरीद के लेके आते हैं, उन्होंने आने वाले 20 सालों के प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये रिलायंस अंबानी अंडानी की सरकार ऑल ओवर इंडिया की फूड जोड़ा फूड जियो रिटेलर के थले उत्ते कब्जा करना चाहती है, साढ़े कपड़े के उत्ते कपड़े विभाग के उत्ते कब्जा करना चाहती है, साढ़े आने वाले छोटे छोटे स्टोर जिमें आप शहर के जाने जिमें जियो के जियो रिटेलर के थले जिन्हें कपड़े दुकाना ने साड़िया साढ़े छोटे छोटे स्टोर आ वह सारे बंद कर देंगे, व्डे व्डे अपने मॉल बनाएंगे, व्डे व्डे रिलायंस के जोड़े स्टोर आ वह चलन गए, जिथे मिडिल क्लास खत्म हो जूगा साढ़े छोटे किसान खत्म हो जाएंगे। सानू ये अवेयरनेस क्रिएट करने की लोड़ है अपने सोशल मीडिया के उत्ते। मैनू लगता है कि साडा जिन्ना यूथ है इत्थे जे वॉलंटियर बन के अगे तुरे जिस तरीके नाल मैं अज खलोती हाँ, मैनू नहीं लगता भी एक सिर्फ कलाकार ही स्टेज के उत्ते आके बोल के गल कर सकता है। साडियां इत्थे बेटियां साडियां इत्थे भैणां जिहड़ियां कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ग के उत्ते अपना नाम रोशन कर चुकिया ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, पायलट्स ने, वह भी इस स्टेज का हिस्सा बन सकदियां ने, वह भी अज आके अपने बापूआं वास्ते अपने लोगों वास्ते आवाज उठा सकदियां ने। असीं कल्ले साडे से जिम्मेवारी आपां सोचदे हां कि साडे तो जिम्मेवारी आपां इहदे उत्ते स्टडी करिए, आपां इहदे बारे पता करिए, आपां इत्थे बोलीए, आपां इस अंदोलन दे नाल जुड़े हुए हां क्योंकि मेरे भी बाप ने शहादत दित्ती सीगी, इस करके मैं तुहाडे सामने खलोती हाँ क्योंकि मैं रोज़ हर एक बजुर्ग दे विच अपने बाप की छवि देखदी हाँ। कितने ना कितने मैं उन्होंने देखा नहीं बट मैं इन्हों में देखती हाँ, मैं सोचती हाँ कि हाँ मैं अपने लोगों वास्ते लड़ाई लड़नी है, मैं इन्हों के उत्ते मैसेज पहुँचा है। सो मैं यही तुहाडे सारे तो एक्सपैक्ट करती हूँ, खास करके अपनी बीबिया भैणों तो जे मैं एक माई भागो निवास बना सकती हूँ तुम हजारों की गिनती के उत्ते माई भागो निवास बना सकते हो क्योंकि सोच की लड़ाई जी है ना जो तुम सोच लेंगे हो तुम करके विखाते हो। असं कभी सोचा नहीं कि बहादुरगढ़ के चीज़ा कितने मिलती ने कि कितों अवेल होगा, असं भी इतने नए आए थे आप अपने टिकाने बना ले, पर मैं सोचती हाँ कि अगे निकल के सारिया बीबिया भैणों निकल के गल करनी चाहिए आ। असं भी अपना करियर छड़ के बैठे हाँ, बहुत सारे लोगों ने मैंने कहा तू अंबानिया अंडानिया के खिलाफ बोल दी है, तू मोदी के खिलाफ बोल दी है, हूँ एक फिल्म आई थी कि तेन अगे काम नहीं मिलना, पर मेरी ये सोच है जिथे एक बन्ने मेरे बाप ने शहादत दिती हो, एक बन्ने रोज मेरे बुजुर्ग की एक लाश इतों उठती हो, मैं काम की करना है।
ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਰਬੜ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਊਂਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।